हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशित तोरण पट्टी का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने रेड और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो कलर पसंद है वो लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम यहाँ पर एक नॉट लगा के लेंगे और 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 15 चेन बनाने के बाद आगे 1 2 3 और 3 चेन बना के जो हमारी 15 नंबर की चेन है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद आगे जो एक चेन है उसके ऊपर एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो 3 हो गए। और आगे जो एक डबल चेन है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद एक चेन बनानी है, चेन बना के नीचे की एक चेन छोड़ के आगे जो 3 चेन है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो 1 2 और 3, तो इस तरह से 3 चेन बनानी है, सॉरी 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। उसके बाद एक चेन बनानी है और नीचे जो एक चेन है एक उसे छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशेट बनानी है। तो इसी तरह से मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने पूरा बना के लिया है। ये बीच में एक चेन छोड़ के नीचे एक चेन, यहाँ पे एक चेन बना के नीचे वाली एक चेन छोड़ दी है और 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 2 इस तरह से चेन बनाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे 2 चेन बना के टर्न करना है और टर्न करके आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से इस लाइन में हमें पूरा सिंपल डबल क्रोशेट बना के लेना है। तो इस तरह से मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये पूरा लाइन हाफ सिंपल डबल क्रोशेट बना के लिया। उसके बाद हम ये रेड वाला क्रोशेट लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। आप चाहे तो एक ही कलर में इस तरह से कंटिन्यू रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से दूसरा कलर लिया है। तो इसे इस तरह से ज्वाइन करके 1 2 3 और 4 इस तरह से चेन बनानी है, 4। उसके बाद ये टर्न करना है और हमें यहाँ पे डबल क्रोशेट ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से 2 बार हुक के ऊपर लेके जो आगे यहाँ पे जो एक चेन का गैप है उसके ऊपर इस तरह से हमें एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट बनाते हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है ट्रिपल क्रोशेट हम कैसे बनाएं। तो उसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे हम। तो अब हम यहाँ पे जो हमने 4 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके जो 3 चेन है, 3 डबल क्रोशेट है उसके पास यहाँ पे एक डबल क्रोशेट छोड़ देना है पहला, और दूसरा
दूसरे डबल क्रोशेट के बीच में, दोनों के बीच में हमें यहाँ पे इस तरह से पीछे की साइड से क्रोशेट को अंदर लेना है और यहाँ पे एक, दो और तीन, इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बना के लेनी है। तो फ्रेंड आगे अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशेट बना के लेंगे। तो यहाँ पे आगे जो एक चेन का गैप है उसके ऊपर इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। और फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, पर अब हम यहाँ पे बनाएंगे आगे। तो इस तरह से हुक को सामने से लेना है और धागे को पीछे से इस तरह से अंदर की ओर लेके यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगी हमारी। उसके बाद फिर से एक चेन और फिर से आगे जो गैप है चेन का उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ पे एक चेन और फिर से यहाँ पे आगे ये वहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट। तो इस तरह से वी जैसे होता है वैसा हमारा डिज़ाइन हो जाएगा, दिखेगा। तो इस तरह से वी जैसा, उसके बाद फिर से एक चेन बनानी है और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तो जो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके यहाँ पे ऊपर एक इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। और एक चेन बना के यहाँ पे इस तरह से आगे फिर से एक डबल क्रोशेट। इस तरह से उसके बाद हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है, जो लास्ट का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। तो अभी जो ये रेड कलर का धागा है उसे हम यहाँ पे छोड़ेंगे इसे, और जो यहाँ पे हमने वाइट कलर का धागा लिया था उसे हम यहाँ पे रेड कलर पे ज्वाइन करके लेंगे और आगे वाइट कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हम फोर चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, और जो हमने यहाँ पे वी जैसा डिज़ाइन बनाया था, जो हमारा डिज़ाइन है उसके बीच में हम इस तरह से थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने बनाया है उसके बीच में इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे थ्री डबल क्रोशेट। थ्री इस तरह से, और उसके बाद एक चेन बनाएंगे और
आगे फिर से जो गैप है डिज़ाइन का, उसके बीच में इस तरह से फिर से एक डिज़ाइन, सॉरी थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे थ्री। इस तरह से उसके बाद फिर से एक चेन और जो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे जो गैप है वहाँ पे हमें कुछ नहीं बनाना। आगे जो डिज़ाइन का बीच में गैप चेन बनाई थी हमने, उसके ऊपर थ्री डबल क्रोशेट। इस तरह से उसके बाद फिर से एक चेन और जो आगे डिज़ाइन है उसके बीच में फिर से थ्री डबल क्रोशेट। और यहाँ पे एक चेन और लास्ट में जो डबल क्रोशेट बनाया था हमने उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इस तरह से। और अब हम यहाँ पे रेड कलर नहीं लेंगे, वाइट कलर से आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से टू चेन बना के हमें सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है। जिस तरह से हमने पहले लाइन में बनाया सेम वैसे ही हमें बनाना है। यहाँ पे कुछ गैप वगैरह चेन नहीं छोड़नी है, सीधा पूरा डिज़ाइन बना के लेना है। तो यहाँ पे सिंपल क्रोशेट बना के लेनी है इस तरह से पूरे डिज़ाइन पे लाइन में यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये सिंपल क्रोशेट का लाइन पूरा करके लिया है और धागे को हम यहाँ पे इस तरह से छोड़ेंगे और जो हमारा यहाँ पे रेड कलर का धागा है उसे हम लेंगे और यहाँ से डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से धागे को लेके एक दो तीन चार चेन बनानी है, टर्न करना है। उसके बाद जो यहाँ पे गैप है चेन का उसके ऊपर हमें एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। उसके बाद आगे एक चेन बनानी है और फिर से यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशेट बनाया था वहाँ पे जो गैप है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशेट। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। उसके बाद एक चेन और जो आगे गैप है यहाँ पे थ्री डबल क्रोशेट के बीच में वहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट। उसके बाद एक चेन और फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट। तो यहाँ से जो हमने पहले बनाया उसके पास ही दूसरा बना के लेना है। तो एक तो यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। उसके बाद फिर से एक चेन और यहाँ पे जो आगे गैप है उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशेट। इस तरह से। उसके बाद फिर से एक चेन और फिर से यहाँ पे वापस पीछे एक ट्रिपल क्रोशेट। तो इस तरह से डिज़ाइन होगा। तो इस तरह से हमें इस राउंड को भी पूरा बना के लेती हूँ।
यहाँ पे आगे एक और डिज़ाइन एक बार, तो यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट, उसके बाद एक चेन, फिर से वापस यहाँ पे, एक डबल क्रोशेट, इस तरह से, उसके बाद फिर से एक चेन और लास्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशेट। इस तरह से, तो फ्रेंड इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। तो आपको आपके डोर के हिसाब से आप पट्टी की साइज बना के ले सकते हो। तो इसी तरह से हमें पूरी डिज़ाइन बना के लेनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी बना के ली है। मेरे डोर के हिसाब से। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।